हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज बल, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज बल क्या है, इसका सूत्र लिखिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले ऊपर डालना है लॉरेंज बल हेडिंग। अब इस जो हेडिंग डाली है उसके नीचे आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा इसकी क्या है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई आवेशित कण क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। एक बार इसे समझ लीजिएगा, बोला जा रहा है जब कोई आवेशित कण, आवेशित कण आप कुछ भी मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों आवेशित कण होते हैं, तो दोनों में से कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल, अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो आपको तो पता ही है कि जो चुंबक होता है वो लोहे पर तो बल लगाता ही है, तो जब लोहे को नहीं छोड़ता है तो वो आवेश को क्यों छोड़ेगा, तो जो वो बल लगाएगा आवेश पर उस बल को हम क्या बोलेंगे, उस बल को बोलेंगे हम लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी। अब चुंबकीय क्षेत्र बी इसलिए क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र को बी से ही दर्शाते हैं। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें एक कोई तार है, ठीक है, चालक तार, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे तो घूमते नहीं हैं, वो किसी तार में ही जाते हैं। जैसे आपके यहाँ लाइट आती है तो तार के माध्यम से आती है, अब ऐसे तो आती नहीं है बिना तार के आ जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि आवेशित कण है वो किसी माध्यम से चलते हैं। तो मान लीजिए ये एक हमारा चालक तार है। अब इस तार में क्यों आवेश बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक धारावाही तार है जिसमें आवेश क्यों बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे हैं। अब इसे आपको लिखना कैसा है, क्योंकि आपको ऐसे तो चित्र बनाएंगे नहीं, कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो लिखना कैसे है आपको ये देखिए। आपको यहाँ पर लिखना है कि यदि कोई आवेश, ठीक है, यदि आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी में बी वेग से गति कर रहा है तो कण पर लगने वाला लॉरेंज बल ये कितना होगा, ये होगा आप लोगों को पता है F बराबर क्या होता है, ये आपने याद किया होगा किसी बार, Q इंटू बी और क्रॉस बी, ये होता है लॉरेंज बल। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। लॉरेंज बल क्या होता है, F बराबर Q इंटू बी क्रॉस बी। अब आप लोग जानते हैं A क्रॉस B कितना होता है, A क्रॉस B होता है ए बी साइन थीटा, तो ये B क्रॉस B है, तो ये B क्रॉस B क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा F बराबर Q B B साइन थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा, Q B B साइन थीटा, क्योंकि A क्रॉस B होता है ए बी साइन थीटा, तो Q था B B साइन थीटा, ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए और उसकी परिभाषा लिखिए, तो आपको यहीं तक लिखकर छोड़ देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर जब 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि जो यहाँ पर हमारा तार था ये, इस तार पर कितना लॉरेंज बल लगेगा। देखिए 2 नंबर में आएगा तो पूछेगा जो इसमें आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं इसमें, उस पर कितना बल लगेगा, और जब 3 नंबर में आएगा तो वो पूछेगा कि इस तार पर कितना बल लगेगा। तो जब तार पर कितना बल लगेगा उसे हमें देखना है, तो हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा इसमें। तो हम मान लेते हैं कि चालक के जो तार है हमारा, चालक के आवेश ई तथा आवेश का वेग बी डी है, ठीक है, जो हमारा चालक है, अभी हमने यहाँ पर आवेश क्यों माना है, तो ये जो आवेश है इसका आवेश ई है और इसका जो वेग है बी नहीं है, अनुगमन वेग हमने मान लिया, ये बी डी है। तो जब ये बी डी है तो लॉरेंज बल हमारा कितना होगा, F बराबर हमने क्यों की जगह पर क्या रखना है, ई को रखना है, ठीक है, F हमने पहले से ही लिखा है, ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, ये E हो जाएगा, और जो वेग है उसे हमने मान लिया है BD है, तो इसे हम रख देंगे E इंटू बी डी, और ये B हमें सेम रख देंगे, और ये साइन थीटा आ गया हमारा, ठीक है, कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। अब हम देखिए इसके नीचे हमें क्या लिखना है, यदि चालक का प्रति एकांक इलेक्ट्रॉन घनत्व n हो तो संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यदि तार के एक आयतन में प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो हमने मान लिया कि जो संपूर्ण आयतन है उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल n है, कितना है, कैपिटल n है, तो कैपिटल n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब इसमें एक प्रति एकांक में n है तो कैपिटल n में कितने हो जाएंगे, प्रति एकांक में जितने हैं गुणे में तार की जो क्षेत्रफल है और उसका लंबाई,
ठीक है, ये समझ गए, क्योंकि इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्या होता है, वो क्षेत्रफल होता है और वो आयतन होता है, और आयतन की बीमा होती है मीटर क्यूब। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब हो गया, यानी कि ये क्या है, ये तार का एक प्रकार से आयतन है, और उसके पूरे आयतन में इसके हमारे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कैपिटल एन, सॉरी स्मॉल एन से हमने गुणा करा दिया तो हो गई ये कैपिटल एन हो गई। अब इसे समझिएगा थोड़ा सा, तो अगर देखिए जब हमारा पहले यहाँ से देखिए, पहले हमारा बल लग रहा था ये बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, ये लग रहा था, हमने Q को मान लिया E और B को मान लिया BD, तो क्या बल लग रहा है अब, F बराबर ई बी डी साइन थीटा, ये लग रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अभी तक एक था, लेकिन अब पूरे तार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो पूरे तार में कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है, तो हम अगर इस पूरे में कैपिटल N से गुणा कर दें तो कैपिटल N इंटू ई बी डी साइन थीटा करेंगे, तो पूरे तार में लॉरेंज बल, मतलब पूरे तार में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे तार में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, या पूरे तार पर हमें पता लग जाएगा कितना बल लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल N से पूरे तार में गुणा कर देंगे, तो F बराबर क्या आ जाएगा हमारा, F बराबर आ जाएगा ई एन इंटू, यहाँ से देखिए ई बी डी साइन थीटा, ई बी डी साइन थीटा, ठीक है, बी डी बी साइन थीटा, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो कैपिटल है एन है इसका मान हम यहाँ से रख देंगे, ठीक है, कैपिटल एन है इसका मान हमने रखा, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एन का मान है एन इंटू ए एल, एन ए एल ई बी डी और बी साइन थीटा, ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई किस तरह से करेंगे इसे देखिएगा, एफ बराबर क्या लिख देंगे, एन ई ए बी डी, ये हमने लिख दिया, और इसमें एल बचा, ठीक है, एन ई ए और बी डी हमने लिख दिया, इधर जो हमारा बचा ये बचा एल, तो इधर हम लगा देंगे एल, कैपिटल एल लिख देते हैं, और बी साइन थीटा ये इधर लिख देंगे, ठीक है, बी साइन थीटा ये हमने लिख दिया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, एन ई ए बी डी, ये बराबर होता है किसका, आई के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम मान लेंगे आई, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपसे चालक पर तीन नंबर में आ गया और चालक पर बल पूछ रहा है तो इस सूत्र का निगमन करना पड़ेगा, और दो नंबर में आ रहा है तब तो आपको केवल इतना ही लिख देना है, आपका काम चल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, अगर समझ में आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं। तो ठीक है, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।